जैसा कि आपके पास ड्राइंग्स प्रोवाइड होती हैं, ऊपर प्लान होता है, नीचे प्रोफाइल्स होती हैं, तो प्रोफाइल्स के ये जो ग्रेड्स आपको नज़र आ रहे हैं इधर, ये मैं थोड़ा सा उसको बड़ा करता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि हमारे दरमियान में वर्टिकल कर्व है और ये हमारे पास ग्रेड लिखा हुआ 0.34 प्लस का ग्रेड है। तो ये हमारे पास जो नीचे एलिवेशन से कैलकुलेट हुआ है, ये वर्टिकल कर्व के इधर एंड से लेकर और अगली वर्टिकल कर्व के स्टार्ट तक का हमारे पास ग्रेड है 0.34% का, और उसके नीचे ये एलिवेशन इसके ऊपर कैलकुलेट हुए हैं। ये इस ग्रेड को आपने कैसे कैलकुलेट करना है, इसके ये टॉप के जो एलिवेशन है इनको आपने कैसे बनाना है, तो इस वीडियो के ऊपर हम पूरी डिटेल में आगे बात करते हैं। बहुत यूजफुल वीडियो है, इसकी मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास ये एक ग्रेड की लाइन जा रही है, ये ऊपर आपको नज़र आ रही है, जिसका स्टार्ट एलिवेशन हमारे पास है 0+00, स्टार्ट आरडी हमारे पास है 0+00, उसका एलिवेशन 200 है, वो ग्रेड उसका 2.505 हमारे पास दिया गया। तो इस एलिवेशन और इस आरडी और इस ग्रेड की मदद से हमने अगर अपने आगे वाली लाइन्स के एलिवेशन वगैरह को कैलकुलेट करना है मुख्तलिफ आरडीज के ऊपर, उसको हम कैसे करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 0+50 वाली आरडी के ऊपर क्या एलिवेशन आएगा, इस ग्रेड के बाद 100 वाली आरडी के ऊपर क्या एलिवेशन आएगा, 200 वाली आरडी के ऊपर क्या एलिवेशन आएगा, और इसी तरीके से 500 वाली आरडी के ऊपर हमारे पास क्या एलिवेशन आएगा इस ग्रेड और इस स्टार्ट एलिवेशन के हिसाब से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो हमारे पास ग्रेड कैलकुलेशंस के लिए उस एलिवेशंस का फार्मूला है, हमारे पास स्टार्ट एलिवेशन प्लस ग्रेड परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो इस फार्मूले को हम इधर नीचे इसी तरह लिखेंगे और उस पॉइंट से लेके सारे अपने एलिवेशन कैलकुलेट करते जाएंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट एलिवेशन 200 का था, ग्रेड हमारे पास 2.505 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई हमने 50 कर देना है। 50 हमारे पास जो पहला डिस्टेंस होएगा उसको साथ हमने करना है मल्टीप्लाई, तो ये आगे इसको इसी तरीके से फार्मूले को चलाएंगे आगे। तो 2.505 हमारे पास ग्रेड डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस हम कर देंगे 100 मीटर का, और उस हमारे पास एलिवेशन जो पर मीटर स्लोप आ जाएगी 50 मीटर के अंदर 1.252 आ जाएगी। इसके अंदर प्लस हम स्टार्ट एलिवेशन कर देंगे तो ये हमारे पास 50 वाला एलिवेशन आ जाएगा 201.252। तो ये एलिवेशन हमारे पास इस जगह का आ जाएगा इस फार्मूले के जरिए। तो आपने इसी तरीके से ये कंटिन्यू आगे करता जाना है, फार्मूला हमारे पास वही है, डिस्टेंस इधर से चेंज हो जाएगा 100 का। तो ये 200 हमारे पास पहला स्टार्ट वाला एलिवेशन है ये वाला, उसके साथ हमने दोबारा 2.505 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। 100 हमारा डिस्टेंस है तो हमारे पास 100 मीटर के अंदर स्लोप आ जाएगी प्लस 2.505, इसको हमने स्टार्ट एलिवेशन इसके अंदर प्लस कर देना तो हमारे पास एलिवेशन आ जाएगा 202.505। तो ये एलिवेशन हमारे पास इधर आ जाएगा 100 वाली आरडी के ऊपर। इसी तरह 200 का हमारा डिस्टेंस है, तो ये 200 वाला डिस्टेंस हमने इधर इस फार्मूले के हिसाब से इधर साथ लगा देना है। तो ये फार्मूला बाकी वही होगा, ये आप इसको लिख भी सकते हैं पर मीटर स्लोप निकाल के भी और मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से मैं अलहदा अलहदा करता जा रहा हूँ, तो आपने भी इसी तरह करना है। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो ये हमारे पास 200 के ऊपर जो स्लोप आ गई वो 5.01 आ गई, हम 200 स्टार्ट वाले एलिवेशन के ऊपर प्लस कर देंगे तो 200 वाली आरडी के ऊपर हमारे पास एलिवेशन आ जाएगा 205.101। इसी तरह 500 वाला हमारे पास डिस्टेंस है, तो ये इस डिस्टेंस को हमने अगर 500 के ऊपर ले आना है तो ये फार्मूला बाकी वही होएगा, आपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। इधर से 2.505 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 500 करेंगे तो हमारे पास 500 मीटर की स्लोप आ जाएगी। ये 100 या मीटर या फिर दोनों के अंदर ये आप कर सकते हैं। तो ये 11.252 हमारे पास 5 वाली आरडी के ऊपर उस स्लोप आ गई थी और इसके अंदर एलिवेशन के अंदर हमने प्लस किया तो हमारे एलिवेशन इसका 500 ऊपर आ गया 212.525। तो आपने ये सारी कैलकुलेशन इसी तरीके से कर लेनी है। ये फार्मूला स्टार्ट एलिवेशन प्लस ग्रेड परसेंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, जो जो भी आरडी आपके पास आ रही है आपने उसके साथ इस फार्मूले को मल्टीप्लाई करते जाना और स्टार्ट एलिवेशन के अंदर आपने प्लस करते जाना है। अगर आपके पास ग्रेड प्लस के अंदर है तो आपने प्लस करना है, माइनस के अंदर है तो आपने माइनस करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।